हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज की वीडियो देखिए, डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं गाड़ी में क्यों हूँ, एक्चुअली आज मैंने सोचा कि मेकअप किट में कौन सी चीजें एसेंशियल होती हैं, वो हम बाजार में जाके ही बातचीत करेंगे। जब हम स्टोर में आते हैं खरीदने के लिए सामान, तो इतनी ज्यादा ऑप्शंस हैं, हमें पता नहीं चलता हम क्या खरीदें। सारी चीजें कवर करने वाले हैं, मैं लिस्ट बना के लाई हूँ। सो यस, जल्दी से शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट बार में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आज हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म दिन है, आज 32 डिग्रीज है एंड फील्स लाइक 35 है। सो ये हमारे लिए बहुत है कनाडा में रहते हुए, पर गर्मी अच्छी लगती है हमें, पर आज बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका है। सो जल्दी से अंदर जाते हैं एंड सामान खरीदने की तैयारी करते हैं। एक्चुअली मैं खरीदने वाली नहीं हूँ, बस मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे पास ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं। सो ये है वॉलमार्ट का कॉस्मेटिक सेक्शन। अगर मुझे ड्रग स्टोर वाले मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने हो तो मैं हमेशा वॉलमार्ट से खरीदती हूँ, क्योंकि बाकी फार्मेसीज के मुकाबले यहाँ के प्राइस बहुत अच्छे होते हैं। सो आपको भी मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप यहाँ से मेकअप खरीदें, आपको यहाँ पे सारा कुछ ही मिल जाएगा। कोई ब्रांड है जिनकी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती, अब तो वॉलमार्ट में नेक्स भी आ गया है। और बताओ। ऑलराइट दोस्तों, तो हम जल्दी से शॉपिंग शुरू करते हैं, विंडो शॉपिंग, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या खरीदना चाहिए। मुझे लगता है कि सारी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं मेबलिन के आयल से ही लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है लॉरियल या रेवलॉन के मुकाबले, और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ज़्यादा चीज़ें हम मेबलिन से ही खरीदते हैं। सो प्राइमर्स के लिए, प्राइमर अपनी स्किन के कंडीशन के हिसाब से लें। ये बेबी स्किन है, ये पोर्स को एकदम से इरेज कर देता है। ये स्मैश बॉक्स के पोर मिनिमाइजर का डूप है। सो वो $50 का है और ये $5 का। सो ज़रूर से ट्राई करें। और लॉरियल का ये इनफेलेबल ग्लो है, जो ये आपकी ड्राई स्किन में ग्लो ले आएगा। एंड मुझे NYX के प्राइमर्स भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। इनमें काफ़ी वैरायटी है, ब्राइटनेस के लिए है, हाइड्रेशन के लिए है अगर आपकी स्किन ड्राई है, और इसमें ये पोर मिनिमाइजर है, जो वो टेक्सचर्ड स्किन के लिए या लार्ज पोर्स के लिए। इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हाई एंड किस्म की है। तो आज हम ये NYX का पोर फिलर यूज़ करेंगे हमारे फेस पे। सो इससे इवनली मेरे पोर्स वाले एरिया में स्प्रेड कर लूँगी, इससे मेरे पोर्स फिल हो जाएंगे और मेकअप स्मूथ होगा। कि ये फाउंडेशन मेरे फेवरेट हैं। फाउंडेशन तो फाउंडेशन है मेकअप किट का, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेबलिन के फिटनी लाइन वाले फाउंडेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये जो मैट एंड पोरलेस है, ये परफेक्ट है ऑयली स्किन के लिए, एंड इसकी कवरेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड आप इसको बिल्ड भी कर सकते हैं, अगर आपके चेहरे पर स्कार्स हैं तो ईजीली इससे कवर हो जाएगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको फाउंडेशन चाहिए कुछ इस किस्म का, हाइड्रेट एंड स्मूथ। मैं यही फिटमी का रेकमेंड करूँगी, नॉर्मल टू ड्राई स्किन। सो ये हो गया आपका फाउंडेशन। सो मेबलिन का मैट एंड पोरलेस ले रही हूँ, इसे मैंने बैक हैंड पे लिया है और फ्लैट ब्रश के साथ सारे फेस पे इवनली स्प्रेड कर देंगे, और इस एरिया से स्टार्ट करेंगे। वो इसलिए क्योंकि इस एरिया को ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत होती है। वैसे भी मेरे इस एरिया में स्कार्स है, तो मुझे वैसे ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस एरिया में लगाते हुए सारे चेहरे पे स्प्रेड कर देंगे। ब्रश मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ब्रश से कवरेज ज़्यादा अच्छी आती है ब्लेंडर के मुकाबले, क्योंकि ब्लेंडर बहुत सारा प्रोडक्ट अपने अंदर सोख लेता है। ये फाउंडेशन लगाने का सारा प्रोसेस हम डैबिंग मोशन में ही कंप्लीट करेंगे, इसी तरह आईज के करीब। प्रोडक्ट को गर्दन की तरफ भी लेके आएंगे ताकि गर्दन अलग से नहीं दिखे। अगला प्रोडक्ट होता है कंसीलर, आपके स्कार्स को हाइड करने के लिए या कवरेज देने के लिए या फेस को हाईलाइट करने के लिए। तो मुझे फिटमी के कंसीलर्स ही बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो होता है जो आपकी स्किन के साथ मैच करता है, उसे आप अपने स्कार्स को हाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो शेड लाइट है उसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए। सो कंसीलर अब हम यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें स्कार्स अब भी दिख रहे हैं, जैसे मेरे यहाँ पर थोड़े स्कार्स हैं तो उनको कवर करूँगी मैं, और अगर डार्क सर्कल्स हैं तो वहाँ पे लगा लेंगे।
सो इसी पॉइंट पे हम यूज़ करेंगे लाइट कंसीलर, जो कि हमें हाईलाइटिंग देगा, और इन दोनों लाइट एंड डार्क को एक ही साथ मिक्स कर देंगे ताकि परफेक्ट शेड बन जाए। लाइट कंसीलर की मदद के साथ ही आप अपने फेस को हाईलाइट कर सकते हैं, आपको अलग से प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये ज़्यादा अच्छा काम करता है क्योंकि इसकी ब्लेंडिंग बहुत मज़ेदार होती है। सो इस काम के लिए मैं छोटा ब्रश यूज़ करती हूँ, डबिंग मोशन में हम इसे ब्लेंड कर देंगे। इसी कंसीलर को मैं वही आई के अराउंड भी लगा लेती हूँ ताकि ये ऐसा प्राइमर का काम भी करे, आपको अलग से प्राइमर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने चेहरे को कॉन्टोर करने के लिए मेबलिन का ही डार्क पाउडर यूज़ कर लेते हैं, इस समय वो इनके पास नहीं है। या फिर आप मेबलिन का ये सिटी ब्राउन्जर यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा डार्क पाउडर है, इसमें कोई भी शाइन नहीं है, इससे आपका फेस बहुत अच्छी तरह कॉन्टोर हो जाता है। सो ये यूज़ कर सकते हैं आप। सो इससे मैं करूँगी मेरे फेस को कॉन्टोर। ये जो शेड है मेरे पास, इसका नाम है कोकोनट एंड नंबर है 345। इससे कॉन्टोर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और अगर आप बिगिनर हैं तो मुझे लगता है कि आप क्रीम प्रोडक्ट से दूरी रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इससे आप अपने फेस को थोड़ी शेप दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्मूथ पाउडर होने की वजह से बहुत आसान है ब्लेंड करना। इसी तरह आप अपने नोज़ को भी कॉन्टोर कर सकते हैं। अच्छा होगा अगर आप नोज़ को कॉन्टोर करने के लिए छोटा सा ब्रश यूज़ करें, पर मैं बहुत लेज़ी हूँ तो मैं इसी से थोड़ा सा कर लूँगी। ओके, फेस को सेट करने के लिए हमें पाउडर चाहिए। अब पाउडर भी आप फिटमी के अच्छे होते हैं, ये बहुत अच्छे प्रेस्ड पाउडर हैं, तो ये जो फिटमी की लाइन है इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ये फिटमी का लूज़ पाउडर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस फिटमी का लूज़ पाउडर यूज़ करूँगी मैं, क्योंकि इसको यूज़ करना आपको बताना चाहती हूँ। तो मैं इसको लूँगी ढक्कन पे। जो भी मेकअप प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं उन सारे को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी ताकि आप अपनी परफेक्ट मेकअप किट ले पाएँ। सो इसके लिए मैं ये बिग अच्छा डेंस ब्रश ले रही हूँ, और इसे मैं चिन वाले एरिया में यूज़ करूँगी जहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है, और ऐसे सारे पॉइंट्स पे जहाँ पे आपने हाईलाइट किया यूज़ कर सकते हैं, और इस एरिया में, क्योंकि फिर उससे आपका मेकअप आपके कपड़ों पर ट्रांसफ़र नहीं होता। ऐसे आप इसी पाउडर से अपने सारे चेहरे को सेट कर सकते हैं। आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, आप किसी भी स्किन किस्म के हैं, आप ये पाउडर यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपके चेहरे पर स्कार्स हैं मेरी तरह, तो मैं रेकमेंड करूँगी लॉरियल का इनफेलेबल 24 आवर फ्रेश वेयर फाउंडेशन पाउडर, क्योंकि इससे आपको और कवरेज मिलेगी और आपके स्कार्स और ज़्यादा अच्छी तरह हाइड हो जाएंगे और लॉन्ग लास्टिंग हिडन रहेंगे। सो इसका जो मैं शेड यूज़ कर रही हूँ ये है, ये है 220 सैंड। आप देख सकते हैं कि शेल्फ पूरी तरह खाली है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है कि क्विकली से कोई मेकअप हो और उनका फेस सेट हो जाए। तो मैं इसे यूज़ करती हूँ एज अ सेटिंग पाउडर, और इससे मेरे स्कार्स अच्छी तरह सेट हो जाते हैं पूरे दिन के लिए। ऑलमोस्ट पैन हिट हो रहा है इसका। सो इसे स्पेशली मैं स्कार वाले एरिया में लगाऊंगी, बाकी मेरे सारे फेस को मैं लूज पाउडर से सेट कर लेती हूँ। या ब्लश के लिए कुछ आप इस तरह का खरीद सकते हैं जिसमें 4-5 ऑप्शन हो। सो आप क्या है, मेकअप पे डिपेंड करता है कि उस दिन आप कैसा ब्लश पहनेंगे। सो ये कितना ब्यूटीफुल ब्लश का किट है एल्फ का, जो ब्राउन स्किन के लिए अच्छा है। सो ब्लश के लिए मैं एल्फ की ही ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें 4 डिफरेंट शेड्स हैं। इससे क्या होता है कि आपके पास वैरायटी हो जाती है कि आपको कौन सा शेड यूज़ करना है। मैं ये वाला थोड़ा पीची किस्म का पिंक यूज़ करूँगी। सो इसे हम सिर्फ हमारे एप्पल्स पे लगाएंगे, स्माइल करें। सो दैट्स इट। एंड इनके हाइलाइटर्स भी अच्छे प्राइस पे हैं। अगर आपको हाइलाइटर चाहिए तो इनका ये मास्टर क्रोम मेटालिक हाइलाइटर बहुत अच्छा है। स्पेशली मॉल्टन गोल्ड है ना, जो हमारी ब्राउन स्किन के लिए परफेक्ट है। मेरा जो मॉल्टन गोल्ड है वो मुझे मिल नहीं रहा है, सो मैं मिलानी का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। इसका नाम है सन ग्लो। ये भी बिल्कुल मेबलिन जैसा ही है। सो इसे हम हमारे हाई पॉइंट्स पर लगाएंगे, स्पेशली इस चिक बोन पे। पर अगर आपके इस एरिया में इसका वो है टेक्स्चर है या पोर्स हैं तो मत लगाएं, क्योंकि फिर वो हाईलाइट हो जाएंगे थोड़ा सा नोज़ पे। वैसे मैं ज़्यादातर आजकल हाईलाइटर को मिस ही कर देती हूँ, लाइक इतना ज़्यादा मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि एवरी डे के लिए तो आपको हाईलाइटर लगाने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे लगाएं। अच्छे अमाउंट में लगा लिया है। अगला मैं स्टेप करती हूँ कि जो मैंने फाउंडेशन के लिए ब्रश यूज़ किया उसी के साथ इसे डैब डैब कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा सेटल हो जाए और ऐसे लगे कि ये ग्लो हमारे अंदर से आ रहा है। इस तरह हम हमारे फेस मेकअप से डन है, क्योंकि हमने कंसीलर हमारी आईज़ पे भी लगा लिया था तो वो एज आ प्राइमर का काम करेगा। अब हम सीधा ही आई शेडो लगाएंगे। आई शेडो आप ऐसे खरीदें अगर आपको न्यूट्रल अच्छे लगते हैं या कलरफुल पार्टी लुक्स करना चाहते हैं, तो कुछ इस किस्म का खरीद सकते हैं।
क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हो जाएंगे आपके पास। सो वेट एंड वाइल्ड की ये पैलेट भी ले सकते हैं, इनमें बहुत अच्छे पार्टी वेयर शेड्स हैं लाइक शाइनी, और प्राइस बहुत अच्छा है। सो आई शैडो आपको बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं, आप सेम के साथ डिफरेंट डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। आई शैडो के लिए मेरे पास ये ब्यूटीफुल निक्स की पैलेट है, आप अपने पसंदीदा शेड्स यूज़ करें। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रल शेड्स हैं, सो सभी इसे यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं ये जो पीची किस्म का कलर है इसे लेके मेरी आई सारी आई पे लगा लूँगी, स्पेशली क्रीज में, ताकि ये एज आ क्रीज कलर काम करें। इसमें भी थोड़ा सा शेड तो है। सो इसका ये पहला कलर हो गया हमारा। सो अगले कलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला शेड, इसे भी सेम ब्रश पे लेके मैं आउटर वी की तरफ लगाऊंगी और देन अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे और बाहर की तरफ। सो ये बेसिक सी पैलेट है आई शेडो की, पर इससे आप बहुत सारे लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। ये जो पीची शेड मैंने मेरी क्रीज में लगाया था, इसे मैं फिंगर पे लेके एम्प्टी स्पेस में लगा लूंगी, स्पेशली लिड एरिया में। निक्स के आई शेडो की क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बटरी है और लगाना भी आसान है एंड ब्लेंड करना भी। इस तरह बहुत ही नेचुरल सिंपल सा मेकअप तैयार हो गया है, पर अगर आप इसको थोड़ा सा स्मोकी करना चाहते तो ये वाला ब्राउन शेड लूंगी मैं, इसी पे ले रही हूँ, इसी ब्रश पे थोड़ा सा इस एरिया में मैं लगा दूंगी। सो मेरे आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं जेल यूज़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जब मैं जेल यूज़ करती हूँ तो मेरे आईब्रोज शाम तक वैसे ही रहते हैं और कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता है मेकअप। और जेल अगर यूज़ करनी हो तो लॉरियल की ये ब्रो स्टाइलिस्ट फ्रेम एंड सेट सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। एंगल ब्रश पे जेल को लें, तो उसके लिए लॉरियल की डीप ब्रूनेट यूज़ कर रही हूँ मैं। ब्रश लेके सबसे पहले इसे आईब्रोज को ब्रश करें और अपने नेचुरल ब्रोज के साथ एक लाइन से क्रिएट करें समथिंग लाइक दिस, और ऊपर की तरफ ब्रश को लगाते हुए ऐसे प्रिटेंड करें कि यहाँ पे बाल है। कोशिश करें कि नेचुरल ब्रो के साथ ही प्ले करें, ज़्यादा ओवर द टॉप मत करें। एम्प्टी एरिया में एक लाइन क्रिएट करेंगे ताकि जो आपकी नेचुरल ब्रो लाइन है वो एक जैसी लगनी शुरू हो जाए, देन आप ब्रश के साथ इस प्रोडक्ट को सेटल कर सकते हैं। आईब्रो डन है। अपने आईब्रो के बालों को सेट करने के लिए आप मस्कारा ही यूज़ कर सकते हैं, मैं ये ग्रेट लैश मस्कारा यूज़ करती हूँ। अगर ये मेरे पास नहीं हो तो मैं लैशेस पे लगाने वाला लैश सेंसेशनल भी यूज़ कर लेती हूँ, पर इससे आईब्रो मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। ओके, काजल के लिए मुझे रिमल लंदन के काजल बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो सारा दिन वैसे के वैसे रहेंगे, क्योंकि इंडियन लुक्स काजल के बिना तो पूरी होती नहीं है। आजकल मुझे ब्राउन लाइनर सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत न्यूट्रल लगता है, और वैसे इनका ये वाला जो लाइनर है ना ये भी बहुत अच्छा है, इसकी भी फेल टिप है, लगाना बहुत आसान है। और वैसे मैं काजल लगाती नहीं हूँ, पर आज मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं सारे स्टेप्स करना चाहती हूँ। तो ये सुपर एग्जैजरेट रिमल लंदन का ब्लैक लगा रही हूँ मैं। आप देख सकते हैं कि लाइनर कितने इंटेंस हैं और ये स्मज भी नहीं होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। आईलाइनर स्मज नहीं हो इसके लिए एक्स्ट्रा स्टेप करें, जो डार्क शेड शेडो है आपके पास आपकी पैलेट में उसे ऐसे ब्रश पे लें एंड अपने लैश लाइन वाले एरिया को सेटल कर दें, ताकि ये जो आपका काजल है ये स्मज प्रूफ बन जाए। वैसे भी ये जो थोड़ा स्मोक आउट लुक होती है ज़्यादा अच्छी लगती है इसके मुकाबले, सो ये स्टेप ज़रूर से करें और आपका काजल रात तक ऐसे का ऐसे ही रहेगा। मेबलिन का ये जो मस्कारा है, मुझे लगता है कि आप हमेशा से मेरे चैनल पे देखते होंगे, लास्ट सेंसेशनल, मैं हज़ारों हज़ारों सालों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। सो इससे आपको फॉल्स लैशेज लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छे कोट्स लगाएं अपर लैशेज एंड लोअर लैशेज पे, क्योंकि उसके बिना मेकअप अधूरा है। ओके, लैशेज तो आपको सिमॉर लैशेज ही खरीदनी चाहिए, पर सो लैशेज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सिमॉर लैशेज। अगर आपको नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ, मेरी ब्यूटीफुल एक लैश लाइन है जिसका नाम है सिमॉर लैशेज, उसकी ब्यूटीफुल लैशेज आपके मेकअप में चार चांद लगा देती हैं, तो ज़रूर से लैशेज पहने। लैशेज के लिए ग्लू ये ड्यू ब्रांड का अच्छा लगता है मुझे, कोई भी है नहीं इस समय, दे सोल्ड आउट है, पर स्पेशली जिसकी टिप ऐसी है ना ब्रश जैसी, तो उससे बहुत प्रिसाइजली लगता है ग्लू। सो ग्लू को लगाएंगे लैश बैंड पे। अगर आप देखना चाहते हैं कि लैशेस को लगाने का बेस्ट एंड परफेक्ट तरीका, उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, उससे आप लैशेस के प्रो बन जाएंगे। एक्चुअली लैशेस के प्रो बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा प्रो बनेंगे। सो मैं मेरी नेचुरल लैश लाइन की बहुत नज़दीक प्लेस करूँगी एंड देन हम इसे सेट कर लेंगे। सिमॉर लैशेस के पेज पे ज़रूर से जाएं और अपना पेयर सिक्योर कर लें, क्योंकि वो लैशेस बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं। सो आईलाइनर के लिए हम यूज़ करेंगे लॉरियल का लाइनर। इनमें से ये जो
इंटेंस लिक्विड लाइनर है फेल्टिप वाला, ये मेरा फेवरेट है। इसका शेड है कार्बन ब्लैक। इससे कोई भी बंदा लाइनर लगा सकता है जिसको लाइनर लगाना नहीं आता है, क्योंकि इसकी फेल्टिप है, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है आपका काम। लैशेस लग चुकी हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि हमने लाइनर यूज नहीं किया, तो यूजली मैं लाइनर लगाती नहीं हूँ, पर मेकअप किट में एक ब्लैक लाइनर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि कैसे मैं लाइनर लगाती हूँ, नहीं लगाते हुए भी लगा लेती हूँ। सो ये ब्लैक लाइनर को लेके मैं ये कॉर्नर वाले एरिया से एक लाइन क्रिएट करूंगी, जैसे विंग हो, समथिंग लाइक दिस। ऐसे लग रहा है कि मैंने लाइनर लगाया है, पर मेरी लिड वाला एरिया मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इतना ज़्यादा है ही नहीं कि उसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए। तो इस नन्हे से स्टेप से ऐसे लगता है कि आपने लाइनर भी लगाया है, पर आपने लगाया नहीं है, पर इंडियन लुक्स के साथ अच्छा लगता है। सो इसी को मैं थोड़ा सा मेरे इनर कॉर्नर में भी लगाऊंगी, ताकि मेरी आँख थोड़ी लंबी सी लगे। सो उसके लिए मेरे इनर कॉर्नर में मैं एक तीखी सी लाइन क्रिएट करूंगी, ऐसे लगे कि अरेबिक काइंड के लोग। और अगली चीज़ आप लाइनर से कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि लैशेस के साथ लैशेस के बैंड को एडजस्ट करने के लिए, कोई गलतियों को छुपाने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो मैं कई बार इस एरिया में लाइन लगा लेती हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैंने पूरे लाइनर के लुक जैसा इफेक्ट आता है। रिमल लाइनर के लिप लाइनर्स भी अच्छे लगते हैं, मैं ज़्यादातर ये बीच में यूज़ करती हूँ। इनके लिप लाइनर्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेते हैं लिप्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिलानी का लिप लाइनर, जिसका शेड का नाम है स्पाइस। मिलानी की लिप लाइनर्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और बहुत ही क्रीमी, बहुत ही आराम से, बहुत ही स्मूद लगते हैं ये। लिप्स को लाइन करने से आपकी जो लिपस्टिक है लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, वैसे ज़रूरी नहीं, अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो चलेगा। सो लिप लाइनर को लगाने के बाद मैंने मेरे लिप्स को भी फिल कर लिया है। देखें ये शेड अपने आप में ही कितना प्यारा है। सो लिपस्टिक्स की रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी है। ड्रग स्टोर में आपको आपकी पसंद की लिपस्टिक डेफिनेटली मिल जाएगी। अब आपको देखना है कि आपको फिनिश कैसी चाहिए। अगर आपको साटन फिनिश चाहिए, या ग्लॉसी चाहिए, या फिर मैट चाहिए, सो हर फिनिश की लिपस्टिक्स आपको आराम से ड्रग स्टोर में मिल जाएंगी। मुझे रिमल लंडन की लिपस्टिक्स भी अच्छी लगती हैं, लॉरियल की लिपस्टिक्स भी अच्छी होती हैं, रेवलॉन की जो मैट कलेक्शन है ना, वो भी बहुत अच्छी है। और इनके बिना मुझे ये मिलानी की मैट लिपस्टिक्स बहुत अच्छी लगती हैं। इनकी जो लास्टिंग पावर है बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड हाई एंड लिपस्टिक्स जैसी हैं ये। और लिक्विड लिपस्टिक्स के लिए भी मुझे मिलानी की लिक्विड लिपस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे मेबलिन की स्टे मैट इंक भी अच्छी लगती है, और ये निक्स की लिक्विड लिपस्टिक्स भी। सो आपको चूज़ करना है कि आपको कैसे कलर चाहिए। जैसा भी आपको कलर्स चाहिए, आप आराम से ड्रग स्टोर में ढूंढ सकते हैं। बहुत आसान काम है ये, क्योंकि बहुत बहुत सारी लिपस्टिक्स हैं। मुझे रिमल लंडन की ये स्टे मैट फिनिश बहुत अच्छी लगती है। बहुत बार मैंने ये वाला शेड पहना हुआ होता है। सो ये पिंक ब्लश है, ये बहुत सारे शेड्स हैं इनके पास। आप मैट, साटन, जैसे भी आपको फिनिश चाहिए आप ले सकते हैं। इसके साथ मैं लगाऊंगी पिंक ब्लश। इसे मैं थोड़ा सा सेटल होने देती हूँ, और उसके बाद मैं इसे नैपकिन के साथ ड्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो वाली मैट फिनिश बहुत अच्छी लगती है। समथिंग लाइक दैट। ओह माय गॉड, ये अगला प्रोडक्ट भी मुझे इसी का पसंद है। ये है फेस के लिए सेटिंग स्प्रे। इससे आपका मेकअप है जो लॉन्ग 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 लास्टिंग बन जाता है, और इतनी अच्छी फिनिश आती है कि मज़ा आ जाएगा। सेटिंग स्प्रे करने से पहले मैं मेरे बालों को ढक लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बालों को कल ही धोया है, और मैं नहीं चाहती कि सेटिंग स्प्रे मेरे बालों को भी सेट कर दे। इससे बालों को थोड़ा ढक लेते हैं। आई होप ये काम करेगा, आई डोंट नो अगर करेगा या नहीं। सो आई एम गोना बी अ बबुश्का लेडी। आज सुबह ही हम बबुश्का लेडी की बात कर रहे थे, तो जेनरसली स्प्रे करेंगे। अब इसे ड्राई कर लेते हैं। मेकअप स्प्रे करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो है ड्राई स्किन वाले दोस्तों के लिए, कि जब आप बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हो, या पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करते हो, तो बहुत ही ज़्यादा पाउडरी फेस हो जाता है, पर स्प्रे के साथ वो सारा अच्छा सेटल डाउन हो जाता है। स्प्रे अगर आप मैटिफाइंग करते हो, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसको मैट रखती है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसको ल्यूमिनस हो सकता है, या फिर आप फिक्सिंग स्प्रेज यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका दिन में जब भी आपको लगे कि मेकअप बिखर रहा है तो फिक्स हो जाए, फिक्सिंग स्प्रेज उसके लिए काम आती हैं। तो इसी तरह हमने ये लुक क्रिएट की है बिगनर फ्रेंडली, अफोर्डेबल, ड्रग स्टोर से मिलने वाले मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ। आप देखिए कि कितनी प्यारी एंड कितनी अच्छी फिनिश आई है, फ्लॉलेस फेस बना है हमारा। गाइस मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मुझे बालों को टाई करना पड़ेगा, और मैंने पंखा भी नहीं लगाया है, एसी भी नहीं लगाया है, ताकि कोई भी आवाज़ मेरी वीडियो में आके ख़राब भी ना करे। सो आई एम फीलिंग वेरी हॉट। काजल ज़्यादा मैं पहनती नहीं हूँ, तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा शैतान लग रही हूँ,
पर आप बताना कि आपको ये लुक कैसी लगी। सो इसी तरह हमने क्रिएट की है ये ब्यूटीफुल लुक। मेकअप प्रोडक्ट्स कैसे भी हों, आप किसी भी किस्म की लुक क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी खरीदने में कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने ये वीडियो पहली बार देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूँगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज़ अ ब्यूटिफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। यू गाइज़ कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आई लव यू गाइज़ सो वेरी मच, बाय।